हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमित और स्वागत है आप सभी का मिस्टर ग्रीन के इस एपिसोड में। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैंने सोचा कि इस टाइम वीडियो बनाना सही रहेगा आप सबके लिए। तो गाइस, अभी हवा चल रही है और हवा भी इस समय ठंडी चल रही है क्योंकि 2 बजे के आसपास या 12 बजे तक तो काफ़ी गर्मी हो जा रही है, तो उस टाइम वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है आप सबके लिए। तो गाइज, आज हम बात करने जा रहे हैं, पर उससे पहले आप सभी को मैं अपना गार्डन दिखाता हूँ। दोस्तों, ये है छोटा सा मेरा गार्डन और आप देख रहे होंगे। तो गाइज, आज हम बात करेंगे अडेनियम प्लांट्स के ऊपर, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो गाइज, आप देख रहे हैं कि ये है मेरा अडेनियम प्लांट्स और दोस्तों, ये सारे मेरे लगभग 1 साल पुराने प्लांट्स हैं और इसमें कुछ प्लांट्स जो हैं वो 2 से 3 महीने पुराने हैं। और अभी आप देख भी रहे होंगे कि इनमें कलियां बनना स्टार्ट हो गई हैं और कोडेक्स भी काफ़ी सही है। तो गाइज, आज का जो वीडियो है वो अडेनियम प्लांट्स की केयर के ऊपर है कि गर्मियों में अडेनियम प्लांट्स की केयर कैसे करें, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो सब जगह लगभग मैक्सिमम जगहों में, मैक्सिमम सिटी में 40 के ऊपर जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अडेनियम प्लांट्स की केयर कैसे करें? तो गाइस, पर उससे पहले मैं और आपको अपने कुछ सीडलिंग्स भी दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये सारे सीडलिंग्स हैं मेरे और ये सारे मैंने ग्राफ्टेड हैं। मैंने कुछ टाइम पहले इनमें ग्राफ्ट किया था और सारे सक्सेसफुल रहे हैं। मैं आपको पास से दिखाता हूँ। तो गाइज, ये है मेरे कुछ सीडलिंग्स, आप देख रहे होंगे सारे सक्सेसफुल है। और दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में इन पर ग्राफ्ट किया था और मैंने उसका वीडियो भी डाला था और यही वो 2 प्लांट्स हैं जिस पर मैंने ग्राफ्ट किया था। और ये दोनों अभी आप देख रहे होंगे कि इनमें नया स्प्राउट्स हो रहा है। तो दोस्तों, ये अभी छोटे हैं, लगभग 1 से 1.5 मंथ बाद ये बड़े हो जाएंगे, फिर मैं इन्हें सेल कर दूंगा क्योंकि बहुत से कस्टमर लोग मुझसे प्लांट्स ख़रीदते भी हैं। और ये है कैलेडियम, आप देख रहे होंगे काफ़ी सुंदर पत्ते हैं इसके। और इधर भी एक अडेनियम का प्लांट है, ये थोड़ा पुराना है, उसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग की हुई है बट अभी इसमें किसी तरह का कोई स्प्राउट्स नहीं निकला है। तो मैंने अपने अडेनियम प्लांट्स को प्रॉपर सनलाइट में रखा है और अभी आप देख भी रहे होंगे कि इधर से सनलाइट आ रहा है सामने की तरफ से। और जो मेरे प्लांट है वो सुबह से शाम तक धूप में ही रहते हैं, इससे जिसकी वजह से इनकी जो सॉइल है वो ड्राई हो जाती है। इसलिए मैं इस अपने प्लांट्स में दोनों टाइम ही वाटरिंग करता हूँ, मैं इनमें दोनों टाइम पानी डाल रहा हूँ। और अभी मैंने सुबह इसमें वाटरिंग की थी, एक बार मैं शाम को करूँगा। तो जो प्रॉपर सनलाइट में रखने की वजह से जो मेरे अडेनियम प्लांट्स के सॉइल हैं वो ड्राई हो जा रहे हैं। बट दोस्तों, एक बात का और भी ध्यान रखना है कि जब भी फ्लावरिंग का टाइम है, जैसे जब भी आप देख रहे होंगे कि इसमें बड्स कलियां बन रही हैं, उस कंडीशन में या उस सिचुएशन में आपको अपने अडेनियम प्लांट्स को धूप में ही रखना है, क्योंकि कलियां बनने के लिए प्रॉपर सनलाइट की ज़रूरत होती है, धूप की ज़रूरत होती है। और अगर आप इसे धूप में नहीं रखते हैं तो आपको सिर्फ पत्तियाँ ही मिलेंगी, लीव्स ही इसमें निकलेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अपने प्लांट्स को प्रॉपर सनलाइट में रख रहे हैं तो आपको दोनों टाइम वाटरिंग करनी है साथ ही साथ और करनी है। दूसरी बात, अगर आप इसमें कोई फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो आप DAP या फिर NPK का इस्तेमाल कर सकते हैं। DAP ओवरऑल ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, NPK आपको तब इस्तेमाल करना है जब इसमें कलियाँ बनना स्टार्ट हो गई हों, जब ये फ्लावरिंग के स्टेज में हो, आप इस पर NPK का छिड़काव कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में आपको एक चम्मच का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं सीडलिंग्स के ऊपर और अब देख रहे हैं कि ये सारे ग्राफ्टेड प्लांट हैं। मुझे लगभग 2 से 2.5-3 महीना हो गया मैंने सबको ग्राफ्ट किया था और कुछ न्यूली ग्राफ्टेड भी प्लांट हैं जिनको मैंने कुछ 8 से 10 दिन पहले ही ग्राफ्ट किया है। तो दोस्तों, ये सारे अलग अलग कलर के प्लांट्स हैं। तो सीडलिंग्स की केयर कैसे करें या जो न्यूली ग्राफ्टेड प्लांट हैं उनकी केयर कैसे करें? दोस्तों, मैंने अपने जो प्लांट है सीडलिंग्स
उनको कवर करके रखा है सामने। मैंने ये देख रहे हैं, मैंने बरगद का बोंजाई है इसको रखा है, और उस साइड से भी मैंने गमले रखे हैं ताकि ये इनमें जो दोपहर की गर्म हवाएं हैं वो ना लगे, क्योंकि तो इससे हमारे जो न्यूली ग्राफ्टेड हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप अपने प्लांट्स को कवर करके रखें। अगर आपके शीट है तो आप उसको कवर कर दें शीट से, या फिर अगर आप दो जैसे ये दो गमले हैं, दो गमलों के बीच में भी आप अपने प्लांट को रख सकते हैं, जिससे आपके प्लांट जो हैं वो थोड़े ठंडे रहेंगे। और इनमें गर्म, बस आपको गर्म हवाओं से बचाना है अपने जो न्यूली ग्राफ्टेड प्लांट्स हैं। और जो अभी आपने कुछ दिन पहले अगर अपने प्लांट्स को ग्राफ्ट किया है, तो आपको उसे प्रॉपर सनलाइट में नहीं रखना है, आपको उसे सेमी शेड में रखना है। जैसे कि मैंने, आप देख रहे हो कि ये मैंने कुछ दिन पहले इसको ग्राफ्ट किया है, तो अभी मैंने इन्हें सेमी शेड में रखा है, गमलों के बीच में रखा है ऐसे कवर करके, ताकि इनमें गर्म हवाएं ना लगे। तो दोस्तों ये एक ग्राफ्ट इधर भी मैंने किया कुछ दिन पहले, और ये ग्राफ्टिंग मैंने इसका और इस प्लांट का वीडियो मैंने लास्ट वीडियो में डाला था ग्राफ्टिंग का। और आप देख भी रहे होंगे कि इसमें नए शूट्स निकल रहे हैं, इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, और इसमें भी आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों ये हैं सारे मेरे सीडलिंग्स, और इधर है मेरा बोगनवेलिया का सेक्शन, आप देख रहे होंगे मैंने कुछ बोगनवेलिया भी लगाए रखे हैं जिनमें फ्लावरिंग हो रही है। और इस तरफ एक रोज का प्लांट है, ये देसी रोज है जिनमें फ्लावरिंग हो रही है, और इधर कुछ कैक्टस भी हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लांट्स लगाइए ढेर सारे, और अपने इन्वायरमेंट को हरा भरा बनाइए। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।